अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है, जिसके लिए शहर में जमीन पर पुलिस बल की मौजूदगी के साथ रामनगरी अयोध्या को सीसीटीवी कैमरों से भी लैस कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों को शहर के हर चौराहे और चेक पॉइंट पर लगा दिया है, जिससे निगरानी रखने में आसानी रहेगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से गुजरने वाले वाहनों पर 24 घंटे नजर भी बनाई जा सकेगी। अयोध्या पुलिस ने येलो जोन के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें कई पुलिस अफसर एलईडी स्क्रीन पर शहर में हो रही हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इन स्क्रीन की मदद से पूरे अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। अगर पुलिस को इन सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी तो वे तुरंत कंट्रोल रूम से उस क्षेत्र की पुलिस को सूचना दे सकेगी। वहीं इसकी अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी प्लान बनाया है। आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत हमको मुख्यालय से जोन के अन्य जनपदों से अभी अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के हम क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टर से में बांट करके अभी से अपनी एक डिप्लॉयमेंट लगा रहे हैं। इन सबका जो मुख्य उद्देश्य है, आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने एक सुरक्षित वातावरण में सुगम रूप से दर्शन कर सके, हमारा यातायात सुचारू रूप से चल सके, और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे सत्यापन की कार्रवाई है, जो विभिन्न हमारे यहाँ पे आश्रम है, मंदिर है, हमारे अंदर हमारे होटल है, धर्मशाला है, उनमें रहने वाले सभी लोगों के सत्यापन की कार्रवाई हमारी पूर्व से प्रचलित है, जिसको आगे और उससे किया जा रहा है। लगातार चलने वाले हमारे कार्य हैं। इसके अलावा हमारा सीसीटीवी का जो नेटवर्क है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स कंट्रोल रूम के द्वारा जो भी ग्राउंड पे हमारे वर्किंग पुलिसमैन है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसपे उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। सर, रूट को लेकर क्या डायवर्ट किए गए हैं ट्रैफिक रूट? देखिए, आवश्यकता अनुसार जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है उस हिसाब से किस कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को नो व्हीकल जोन बनाया जाता है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को यह असुविधा ना हो। डायवर्जन जब आवश्यकता पड़ती है या कोई हमारी ऐसी महत्वपूर्ण मूवमेंट होती है जिसमें हमको किसी एक पर्टिकुलर रूट पे ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता हो, कहीं एम्बुलेंस के लिए हमको ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो, उस समय डायवर्जन को अमल में लाया जाता है, जिसकी एसओपी तैयार है, जब जरूरत हो तो उन एसओपी को अमल में ले आते हैं। देखिए, ड्रोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से, जैसे मैंने आपको कहा कि मैनुअल और तकनीकी दोनों माध्यमों से सुरक्षा की जो भी हमारे लोग लगे हुए हैं उनको हम एक्स्ट्रा वो इनपुट्स देते हैं, तो दोनों हमारे कार्य कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से क्षेत्रों में नजर रखने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में कई वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया है, जिसके लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं।